उत्तराखंड में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भाजपा के सातों मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में मोर्चे के माध्यम से कार्यक्रम तय किए गए हैं और पार्टी के आधार पर मोर्चे के पदाधिकारियों के प्रवास तय किए गए हैं। मोर्चे के सभी पदाधिकारी महीने में 10 दिन अपने अपने मंडलों स्तरों तक प्रवास का कार्यक्रम रखेंगे और आम जनता के बीच में जाकर राज्य सरकार की उपलब्धियां आम जन को बताएंगे। अध्यक्ष और प्रभारी आज बैठक में थे। अगले चुनाव की दृष्टि से उनको क्या काम देना है, आप अपने मोर्चे के आधार पर उनको और अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक जाकर और इस प्रकार पार्टी को मजबूत करें, ऐसी अपेक्षा उनसे की गई है। अब अपने मोर्चे के एजेंडे को लेकर वो समाज के बीच में जाएंगे, हटना पड़ेगा, खाली मीडिया की टीम ये हम लोगों ने तय किया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब तक कितनी भी योजना चल रही है या धरातल पर है, उन्हें 15 अगस्त तक सभी को पूरा कर लिया जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार जो है चीज़ों को टाइम बॉन्ड करेगी और चूँकि बरसात का समय है और 15 अगस्त तक सारे जियो सारे शासनादेश निकाल दिए जाएंगे तो जल्दी से चीज़ें धरातल पर आएंगी। हम चाहते हैं कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो चीज़ें शुरू हुई हैं वो समाप्त हों और जो अगले 2-3 महीनों में जो काम हो सकते हैं उन कामों को धरातल पर उतारा जाए, इसलिए शासनादेश किया। बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।